खबर यूपी के संभल से, जहां पुलिस ने पिछले दिनों हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने बदला लेने के लिए इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। बदले की आग इंसान के ऊपर कभी कभी इस कदर हावी हो जाती है कि इंसान खूनी घटना को भी बड़ी ही आसानी से अंजाम दे देता है। संभल में एक युवक ने बदले की आग में एक शख्स को हथौड़ियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाइट पंकज कुमार पांडे ASP। किया गया सर, एक हत्या का क्या है सर पूरा मामला? देखिए, 22 जून को थाना सुमोली में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी बाद में ध्यान सिंह जो कि हसनपुर का रहने वाला था उसके रूम में उसकी शिनाख्त हुई थी। उसकी हत्या सिर पे चोट मिली थी और उसके बाद एक उसके जो बोरवेल टाइप का होता है ड्राई, उसमें उसकी लाश मिली थी। लाश के यहाँ बरामद की गई थी, उसके बाद उसके शिनाख्त के प्रयास कराए गए थे पुलिस द्वारा। उसकी शिनाख्त के बाद इस हत्या के अनावरण हेतु मतलब सर्विलांस और SOG टीम को लगाया गया था। इस हत्या का सफल अनावरण करते हुए थाना असमोली और स्वाट टीम ने इसका अनावरण किया। इसमें जो ये अभियुक्त नितिन पुत्र रघुवीर सिंह है जो चकलेटी का रहने वाला है, इसका ये कहना है कि 2 माह पूर्व इसकी जब ये मोटरसाइकिल से आ रहा था और ये जो मृतक है इसका इसकी स्कॉर्पियो से इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके द्वारा इसकी पिटाई की गई थी और जिसमें इसने अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस किया था और ये तय कर लिया था कि 1 महीने मतलब इसकी हत्या कर देंगे अवश्य। और इनके दोनों गांव में 1 किलोमीटर का फर्क है। इसके बाद उसने ये ट्रेस करना शुरू किया, इसका घर जानता था और इसके ये गाड़ी भी चलाता था, जिसने गाड़ी इसकी हायर की, बुक कराई टैक्सी और पूर्व नियोजित ढंग के हिसाब से इसने पहले नशे की गोलियाँ ली, कोल्ड ड्रिंक ली, उसको पिलाई, खुद वो वाली कोल्ड ड्रिंक पी जिसमें नशे की गोलियाँ नहीं थी और उसके बाद गाड़ी उसने खुद ड्राइव की। लेकिन अंततः उसमें डीजल ख़त्म होने के बहाने जब उस पर वहाँ जहाँ पे इसको मारना था ला के खड़ी कर दी और कहा कि डीजल ख़त्म हो गया, तो फिर वो आया, उसने ट्राई किया, उसके बाद वो फिर वहीं पर लगभग बेहोश हो गया। इसके बाद उसने हथौड़े से वार करके उसके सिर पर कई वार किए जिससे उसकी मृत्यु हो गई और वहाँ कुएं में डालने के बाद ये अकेला उसको लेके गया है। एक स्थान पर इसके द्वारा उस गाड़ी को जो खून लगा था उसको धोया गया है, वहाँ से भी एविडेंस कलेक्शन किया गया है। उसके बाद ये गाड़ी अमरोहा देहात में एक स्थान पर गाड़ी डीजल खत्म होने के बाद छोड़ के भाग गया, वहाँ से भी एविडेंस कलेक्शन हुआ है। इस घटना में काफ़ी हम लोगों को महत्वपूर्ण साक्ष्य इस बात के उपलब्ध हुए हैं कि इसके द्वारा हत्या की गई है। इस आधार पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और सफल अनावरण किया गया। थैंक यू। लिहाजा आरोपी को कार सवार से पिटाई काफी अपमानित लगी, जिसके बदले में आरोपी ने कार सवार को मौत के घाट उतार दिया। संभल से विनोद राघव की रिपोर्ट।